और अभी सीधा दिखाते हैं आपको कोची की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं INS विक्रांत के रूप में। और सबसे अहम चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंच चुके हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के बढ़ते कदम, मेड इन इंडिया। एक और आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका उदाहरण है INS विक्रांत, जो आज देश को समर्पित होने वाला है, नौसेना के बेड़े में भारत की ताकत को बढ़ाने वाला INS विक्रांत आज देश को समर्पित होने वाला है। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर कोची से, जहां आज जो नौसेना की ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे INS विक्रांत। और ये एक ऐसा जहाज है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हालांकि INS विक्रांत नाम नया नहीं है, इससे पहले भी INS विक्रांत नौसेना में था और कई सारे युद्ध जब भी हुए हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका INS विक्रांत ने निभाई है। लेकिन अब इसका अपडेटेड मॉडल कहा जा सकता है आज के इस INS विक्रांत को, जो देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, सेना के बीच में मौजूद है, सेना के जो जवान हैं उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं और यहां पर उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। ऑफिसर ऑफ द गार्ड गिविंग जनरल सैल्यूट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। Hundred men guard of honor marching in with the Indian naval band and lead playing the tunes of Vikrant. और तस्वीरें गवाह हैं किस प्रकार से आज के। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीधे कोची से, या INS विक्रांत को आज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 31 जनवरी 1997 को नेवी से INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था। अब तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से INS विक्रांत का पुनर्जन्म हो रहा है। पीएम मोदी आज ही करीब बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद वो INS विक्रांत को देश को सौंपेंगे। 1971 की जंग में INS विक्रांत ने अपने सी हॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव वो गार्ड ऑफ ऑनर देता। और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को, एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत कोचिन शिपयार्ड में बनकर तैयार हुआ है। और ये आज कमिश्निंग सेरेमनी, अगर इसकी बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है उसकी एक जीती जागती मिसाल है और अपने आप में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का साफ तौर से प्रदर्शन करता है। और अगर बात की जाए तो भारत अब 6 ऐसे एलीट देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो 40,000 टन या उससे बड़े भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक दौरे पर है। आज का दिन बेहद अहम है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी विमान वाहक का उद्घाटन करने वाले हैं। और सबसे अहम चीज इसके अलावा नौसैनिक ध्वज यानी निशान का भी आज अनावरण होने वाला है। खास मौके पर अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन भी यहां पर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आज क्योंकि 9:30 बजे कोची के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश सेवा के लिए समर्पित करने वाले हैं, ये इस लिहाज से भी बहुत अहम है क्योंकि भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बना है ये इसकी एक मिसाल है।
और नया INS विक्रांत भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऐसे में आपको बता दें 1999 की कारगिल जंग के बाद भविष्य के खतरों से निपटने के लिए एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव रखा गया जो स्वदेशी हो। उसके बाद इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्धपोत ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था लेकिन बनाने का नहीं था। और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में ही इसको बनाया गया है। 2002 में इस प्रोजेक्ट को अटल सरकार में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। शुरुआत में ये 60-40 के रेशियो में बनना था लेकिन 60% भारतीय सामान और 40% विदेशी। 2005 तक सब कुछ ट्रैक पर था और उसके बाद जिस तरीके से देखा गया तमाम बदलाव आए, तभी रूस ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये मेहनत है तमाम लोगों की, तमाम जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी, जिस तरीके से आज ये एयरक्राफ्ट तैयार हो गया है। और ऐसे में बड़ी बात तो ये है कि जो युद्ध होते हैं पिछले समय भी, पिछले कई सालों पहले ये देखा गया है कि जब भी युद्ध हुए हैं तो INS विक्रांत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हर युद्ध में। और आज एक बार फिर जो देश की सेना है उसकी ताकत में इजाफा होगा। बिल्कुल, मेक इन इंडिया के तहत INS विक्रांत को बनाया गया है और ऐसे में इसको आज देश को समर्पित किया जा रहा है। सबसे अहम क्योंकि INS विक्रांत हमारे देश का बनाया हुआ है। सबसे पहले भारत ने जो विमान खरीदे या फिर इस तरह की जो हमने देखे लड़ाकू विमान हो, ये जब हम विदेशों से खरीदते थे, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया और इसके तहत आज जो INS विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया जा रहा है, इस लिहाज से देखा जाए तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। स्वदेशी विक्रांत किस तरह से अपना दम दिखाएगा, 70% से ज्यादा INS विक्रांत को भारत में बनाया गया, 30 से 35 विमान ढोने की क्षमता है और ऐसे में 13 साल में ये तैयार हुआ है। 2009 में INS विक्रांत की कील रखी गई, यानी युद्धपोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2011 अगस्त 29 को विक्रांत ड्राई डॉक से बाहर आया, यानी इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ। 2013 में अगस्त 12 को इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में बेसिन ट्रायल्स पूरे हो गए। इसके बाद 2021 अगस्त 4 को इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया और जुलाई 2022 तक इसके सी ट्रायल्स हुए। 2022 सितंबर 2 यानी कि आज का वो दिन INS विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन होगा। इसे पूरी तरह ऑपरेशनल होने में जून 2023 तक का वक्त भी लगेगा। बताते फिरे कि जिस तरीके से इसे यहाँ पर तैयार किया है, जिन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो सारी ही चीज़ें आज की तकनीक से ताल्लुक़ रखती हैं और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा क्षमता है। INS विक्रांत की खासियत की अगर हम बात करें तो स्पीड से लेकर और दूर तक निशाना भेदने में सक्षम है INS विक्रांत। इसमें 4LM2500 गैस टर्बाइन है जो 88 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे। इससे आधे से ज्यादा जगहों पर बिजली दी जा सकती है। बिल्कुल, रक्षा के सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस पोत को घरेलू स्तर पर देखिए डिजाइन किया गया है। इसे INS विक्रांत के नाम से एक विमान वाहक पोत के रूप में विकसित किया गया है। इसका डिजाइन भी भारतीय नौसेना ने अपनी संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और उसका निर्माण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। विक्रांत का निर्माण अत्याधुनिक स्वचालित विशेषताओं से लैस है और वो भारत के सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे विशाल निर्मित पोत है। आज भारत की जो ताकत है वो एक बार फिर से बढ़ने वाली है और खासकर आपने देखा तब से पहले जब स्वदेशी विमान तेजस को बनाया गया और उसको आपने देखा कि इस कदर बनाया गया कि विदेशों से भी उसकी मांग की गई, यानी मेक इन इंडिया के तहत जिस तरह से विमानों को बनाया जा रहा है, इसके कायल हो रहे हैं काफी देश जो भारत को अब ऐसे विमान जो हैं वो मांग रहे हैं। अब से पहले भारत विदेशों से विमान खरीदता था लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत उससे और समृद्ध किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है और यही मजबूती का एक उदाहरण है INS विक्रांत,
जिसे देश को आज समर्पित किया जाएगा, नौसेना को समर्पित किया जाएगा। इसकी खासियत देखिए, हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, 52 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइलों की भी तैनाती इस पर की जा सकती है और इससे आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत है ये। INS विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक टर्बाइन लगाए गए हैं ताकि ये और भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अत्याधुनिक है, 1.1 लाख हॉर्स पावर की ताकत इसमें है। बिल्कुल, विक्रांत में 14 डेक हैं जो 10 मंजिला इमारत की तरह दिखता है। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी है जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है और इसमें मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पूल भी। श्री नरेंद्र मोदी जी, चीफ गेस्ट दिस मॉर्निंग फॉर दिस मोमेंटस ओकेशन, सीनियर डिग्निटरीज ऑन द डायस, एक्सलेंसीज, सीनियर डिग्निटरीज इन द ऑडियंस, former chiefs of the navy, commander in chiefs, flag officers, esteemed veterans, veterans of the erstwhile INS Vikrant, distinguished guests, employees of CSL, commissioning crew of Vikrant, ladies and gentlemen, namaskar. aaj bharat mein banaye gaye ab tak ke सबसे बड़े वॉरशिप को कमिश्निंग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यहां उपस्थित होना हम सबके लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। ये कमिश्निंग पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। एज द फ्लैग बेरर ऑफ इंडियन नेवीज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी'स विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, it is only befitting that Vikrant be commissioned under his hand as we move proudly into the Amrit Kaal. Azadi ke is Amrit Kaal mein Bharatiya Nausena ka vision at 100 hai, ek fully Atmanirbhar Navy banna, jiske antargat hamari sabhi ships, submarines, aircraft, unmanned vessels and systems कंप्लीटली मेड इन इंडिया होंगे ताकि हम एक कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव और फ्यूचर प्रूफ फोर्स बने रहें। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घोषित 5 प्रण, विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, हमारी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता एवं कर्तव्य की भावना की द्वारा इस रास्ते पर अग्रसर रहेगी। न सिर्फ भारतीय नौसेना बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विक्रांत इस अमृत काल का एक अभूतपूर्व आरंभ है और इस शुरुआत के लिए मैं CMD CSL, डायरेक्टर जनरल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, वॉरशिप प्रोडक्शन सुपरिंट और उनकी टीम्स का अभिवादन करता हूं। हमारे देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर एरस्ट्वाइल विक्रांत सर्व्ड द कंट्री फॉर 36 ग्लोरियस इयर्स एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द 1971 वॉर, स्ट्राइकिंग फियर इनटू द एनिमीज हार्ट। आज मैं इस आधुनिक और शक्तिशाली विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर और क्रू को ये कहना चाहूंगा कि आप सबका कर्तव्य रहेगा कि इस महान लीगेसी को और निष्ठा एंड डिवोशन के साथ आगे बढ़ाएं। मे ऑल हु सेल ऑन विक्रांत बी गाइडेड बाय आवर कोर वैल्यूज, ड्यूटी, ऑनर, करेज एंड सर्व विथ सेल्फलेस डिवोशन। मैं सभी डिग्निटरीज और गेस्ट को आज इस इम्पोर्टेंट दिवस पर यहां उपस्थित होने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, जिनका प्रेजेंस विक्रांत के क्रू को इंस्पायर करेगा टू डू दैट ड्यूटी एंड डू इट वेल एवरी डे, एवरी वेयर एंड एवरी टाइम। शानो वरण, जय हिंद। तो नौसेना के चीफ को आप सुन रहे थे।
और उनका यही कहना था कि जिस तरीके से आज के इस दौर में भारत को आत्मनिर्भर तरीके से देखा जा रहा है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। हालांकि INS विक्रांत को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि पहले INS विक्रांत जो था उसकी कुछ चीजों को निकालकर अभी मौजूदा समय में जो तैयार किया गया है जहाज, उसमें अटैच किया गया है कुछ पार्ट्स को भी। तो इससे समझा जा सकता है कि INS विक्रांत जो है कभी भी हमारे लिए अगर कहें तो पुराना नहीं हुआ है और हमारे लिए हमेशा ही फॉरएवर ग्रीन है INS विक्रांत। जिस तरीके से नौसेना के लिए INS विक्रांत ने तमाम काम किए हैं और कई युद्ध में काम आया है INS विक्रांत, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आज का दिन नौसेना के साथ साथ पूरे देश के लिए ही बहुत ही ज्यादा खास है। इसका जो रनवे है वो 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर है, इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़ा रनवे है और कितना चौड़ा। और देखिए INS विक्रांत का अनावरण करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए ये तस्वीरें भारत को और गौरवशाली महसूस करके, और ये नौसेना का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के ध्वज का भी अनावरण कर दिया है। ये देखिए सबसे अहम चीज़ है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम जब देश के हमारे हों तो उस लिहाज से अगर देखा जाए बेहद खास है ये तस्वीरें, गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें। सीधे कोची से आपको दिखाई जा रही है मेक इन इंडिया पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है।